हेलो, अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हैं अपने पीसी का, लैपटॉप का, क्योंकि आप जानते हैं कि विंडोज़ 10 जो है वो आ चुका है और मे बी आप एक्सपी ही यूज़ कर रहे होंगे या फिर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए अपने आप को और आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्चुअली डालने जा रहा हूँ अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में विंडोज़ 10। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग होती है और कैसे क्या कर सकते हैं आप, तो प्लीज़ देखते रहिए ये वीडियो। हेलो वेलकम, मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू। आज मैं अपने लैपटॉप को एक्चुअली अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास जो मेरा जो अभी वर्ज़न है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है विंडोज़ 8.1, है ना। और आप सभी को पता है कि विंडोज़ 10 जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने लैपटॉप में विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर दूँ। और मैंने ये भी सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कि आपको नहीं आता हो या फिर आपको आइडिया नहीं हो कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं किसी सिस्टम में, है ना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इससे पिछली वीडियोस में मैंने एक्चुअली बताया था कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बर्न करते हैं डीवीडी के अंदर, है ना। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या फिर आपके अभी स्क्रीन पे जो एनोटेशन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने जो सीडी अभी इंसर्ट किया हुआ है, जो मैंने सीडी बनाई थी, यहाँ पे देखिए, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अगर आज रहता है, आप पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं और डीवीडी का, मैंने अभी डीवीडी इंसर्ट किया हुआ है, तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये साइन आ जाता है इस तरीके से, है ना। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, है ना। सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो गया है एंड देन आप प्लीज़ वेट कीजिए थोड़ी देर, है ना। उसके बाद बूटेबल की प्रेस करने के लिए आप रेडी रहिए। डेल में जो होता है F12 होता है एंड देन देखिए ये ऑप्शंस जो है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप चूज़ कीजिए कि आप किसके ज़रिए आप यहाँ पे बूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर पेन ड्राइव इंसर्ट किया होता तो पेन ड्राइव यहाँ पे आ जाता, है ना। तो सीडी डीवीडी के ज़रिए हम लोग करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए एंड देन प्रेस एनी की आएगा, है ना। प्रेस एनी की हमने प्रेस कर दिया एंड देन ये हमारा सेटिंग जो है, सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए एक नई विंडो ओपन हुई है। यहाँ से आप चूज कीजिए आपका लैंग्वेज कौन सा चूज करना है, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, है ना। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट एंड कीबोर्ड इनपुट भी जो है वो US ही एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। वेट कीजिएगा, इसमें पेशेंस रखिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है कई दफ़ा प्रोसेसिंग होने में, है ना। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा एंड देन अब यहाँ पे लाइसेंस एंड टर्म एंड कंडीशन है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, पहले पढ़ लीजिएगा, है ना, जो कि रूल है। आप पहले पढ़ लीजिए क्या है लाइसेंस, टर्म एंड कंडीशन क्या है, है ना। एंड देन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स एंड देन क्लिक कीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वॉन्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको कस्टम करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज ऑनली। यहाँ पे देखिए आप सी ड्राइव चूज कीजिए, आपका सी ड्राइव कौन सा था, पहले आप देख लिया कीजिए कि कौन सा था, उसमें कितने ड्राइव थे। तो मेरा जो है पार्टीशन 1 जो है सबसे पहला 78 GB का था, जिसमें 20 GB फ्री था, है ना। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसको आप फॉर्मेट कीजिए। तो आपका जो पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो भी डेटा था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आप बैकअप बना लीजिए या जो भी करना है आप कर लीजिए एंड देन यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए ड्राइव एंड देन फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे कुछ वार्निंग है, है ना, तो उस चीज़ को आप पहले पढ़ लीजिए एंड देन ओके क्लिक कीजिए अगर फॉर्मेट करना है तो। ये फॉर्मेट हो गया, है ना। यहाँ पे 78.1 GB एंड 78 GB जो है इसमें खाली है एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत ख्याल रखिए, आप उसी ड्राइवर को आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है ना, क्योंकि जो ड्राइवर आप सिलेक्ट करेंगे वही सी होगा नॉर्मली, है ना, और उसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर आप इसमें भी चाहें तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बट जो एक तरीका होता है सबसे पहले ड्राइव में, और उसकी पार्टीशन भी उसी हिसाब से की जाती है कि आपका सी ड्राइव को ज़्यादा मेमोरी नहीं दी जाती, है ना।
तो आप यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट कीजिए, आप जो भी चाहते हो, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी में लगता है ना, कॉपी विंडोज फाइल एंड ये जो गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन जो है सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, तो इसमें वेट कीजिएगा आप, बाकी ये सारी प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये हमारा 100% हो गया है ना, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड फिनिशिंग सेटअप। इस बीच में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो कई बार रीस्टार्ट हो सकता है ना, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका फाइनली प्रोसेस ना हो जाए, है ना। बीच में ऐसा नहीं कि रीस्टार्ट हुआ तो आपने फिर से की प्रेस कर दिया, कुछ और कर दिया, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चुपचाप बैठ के देखते रहिए कि अब क्या होता है, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनल जब आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की बात आएगी तब वहाँ पे कुछ करने का आएगा, है ना। Getting device ready. Getting ready. इंतजार कीजिए, इंतजार का जो फल होता है ना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने विंडोज 8 को हटा करके अब थोड़ी देर सब्र कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा विंडोज 10। मैंने आपको कहा था कि बार बार ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फाइनली आ गया, लेट्स गेट कनेक्टेड, है ना। तो यहाँ से आप चाहें तो वाईफाई के जरिए आप यहाँ से ये कर सकते हैं, देन आप इसे इस स्टेप को जो है स्किप दिस स्टेप कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे आ रहा है कि सेटअप फॉर यू यूज एक्सप्रेस सेटिंग जो है ना, जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है वो सेटिंग आप यहाँ पे रहने दें, एंड देन यहाँ पे आप डालिए यूजर नेम, है ना। तो मैं तो हमेशा वही डालता हूँ जो मेरे चैनल का नाम है, क्योंकि मैं मुझे बहुत प्यारा है मेरा चैनल। एंड देन आप चाहें तो पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं ना, अगर आप विदाउट पासवर्ड रखना चाहते हैं तो देन फिनिश कर दीजिए, मैं अभी पासवर्ड नहीं डालूंगा यहाँ पे। एंड फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, इसमें भी टाइम लग सकता है। हाय, वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू। यू कैन गेट न्यू एप्स फॉर दिस स्टोर, इंस्टॉलिंग योर एप्स, है ना। ये सारी चीजें हैं तो इसमें भी मे बी टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे भी आप वेट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा दिया है, काफी प्यारा लगता है। विंडोज 8 में भी बिल्कुल इसी तरीके से था और विंडोज 10 में भी बिल्कुल वैसे ही है। एक्चुअली विंडोज 10 जो है ना, विंडोज 8 और विंडोज 7 का कॉम्बिनेशन है ना। जो फीचर्स जो विंडोज 7 में थी एंड देन जो विंडोज 8 में है, वो दोनों फीचर्स इसमें अवेलेबल है। Taking care of a few things. इसमें भी टाइम लग सकता है, आप इंतजार कीजिएगा। ये नहीं कि नहीं हुआ तो चलो सिस्टम ऑफ किया एंड देन यू नो ब्ला 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 कट कर दिया मैंने। Let's start. ये देखिए फाइनली ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा इंस्टॉल हो गया है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखें जो है फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसमें आपको ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा ये, क्योंकि ये वीडियो था सिंपली कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या ऑप्शन आते हैं और क्या चूज करना होता है ना। तो फाइनली ये था कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं पीसी में, लैपटॉप में, है ना। तो आई थिंक अगर आपको आइडिया नहीं था तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप डिस्कशन पेज पे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
और इसी तरीके से और भी अगर आप इंटरेस्टिंग अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट कीजिए क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स अवेलेबल हैं आपके लिए। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।